भाई इस समय हम लोग मौजूद हैं गंगवा गांव में और हर अपडेट आपको देते रहते हैं और हमारी खबरों का असर होता भी है, ये आप भी जानते हैं और इसका असर अभी दिखाई भी दिया है। नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय हम लोग मौजूद है गंगवा गांव में और आपको बता देते हैं कि कुछ समय पहले हमने यहाँ पर एक खबर चलाई थी, जो आप ग्राम सचिवालय देख रहे हैं, ग्राम पंचायत का ग्राम सचिवालय, यहाँ पर हमने एक खबर बनाई थी और खबर में ये दिखाया था कि कितनी गंदगी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर मैं देखूं तो चारों तरफ, पहले एक बार ये दिखा दीजिए तस्वीर, ये जो स्वरूप है ये स्वरूप अब यहाँ, पहले यहाँ नहीं था, यहाँ पर कुछ और तस्वीरें थी, ये देख लीजिए, ये जो गंदगी के ढेर लगे हुए थे और थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए, ये गंदगी के ढेर और कूड़ा करकट, ये चारों तरफ जो है ये गंदगी के ढेर कूड़ा करकट था और जहां भी देखें, और ये देखिए उपले यहाँ पर जिसे गोसे कहा जाता है वो भी यहाँ पर लगे हुए थे, बटोड़े लगे हुए थे, ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा नजदीक से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये था पहले, पहले था गंगवा गांव ऐसा और अब खबर का असर हुआ और एक बड़ा बदलाव गंगवा गांव में हुआ। और ये कहाँ की तस्वीरें हैं, ये है ग्राम सचिवालय की, ये तस्वीरें देख लीजिए और अब सामने वाली भी तस्वीरें देख लीजिए, ये बिल्कुल सामने यहीं पर वो बटोड़े थे, बटोड़े वाली फोटो दिखा दीजिए एक बार, जिसे हम, ये देखिए एक सामने, बिल्कुल दोनों साथ से साथ दिखा दीजिए, ये फोटो देख लीजिए और ये फोटो देख लीजिए और आप अंतर देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव अब हुआ है। ये पौधों के पास ये तस्वीर और ये तस्वीर, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर हुआ है। गंगवा गांव में एक बदलाव हुआ, एक हमने खबर चलाई, गंदगी दिखाई चारों तरफ, इसमें बटोड़े और गंदगी फैली हुई थी, उसको खबर को दिखाया, उसमें जो है माननीय डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी का भी नाम लिया कि उन तक भी वो खबर पहुंचाई कि सर देखिए आपके गंगवा गांव में कैसे हालात हैं। और उसी दौरान जो है नए सरपंच बने थे, नए सरपंच जो बने थे भगवान दास जी, उन तक भी वो खबर गई और खबर का असर जो अधिकारी हैं, वीडियो विभाग है और है, वहां तक भी वो खबर गई और उस खबर का असर दिखा कि आज स्वरूप बदला हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो गंदगी के ढेर और बटोड़े थे, आज यहाँ पर साफ सुथरा माहौल बन चुका है। और अब ये भी कहा जा रहा है, जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो सरपंच साहब ने कहा कि और भी बदलाव इसमें होगा, और भी बड़ा बदलाव होगा और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, हरियाली भी होगी। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, जो तस्वीरें हमने दिखाई वो क्या सच है कि यही की तस्वीरें हैं? ये यही की तस्वीरें हैं, ये सच है। पहले आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गंदगी थी, यहाँ बटोड़े भी थे, गुस्से का से और जो कुछ था, अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद 7-8 दिन के अंदर और भी इसमें वो आएगा बदलाव। बदलाव जैसे कि यहाँ पार्क बनेंगे, अभी दोनों तरफ जैसे ईंटें मंगवाई हुई है, ये पार्क के लिए पेड़ पौधे भी लगेंगे, फूल फाल है जो कुछ है इसके अंदर। जैसे पहले क्या था, एक गेट भी बंद करवा दिया इसका। अच्छा। जैसे वो गिड़गा सा टूटा हुआ था, उसमें क्या था, गाय गुए सब कुछ अंदर, बहुत ज्यादा गंदगी थी। आप देख ही रहे हैं, वैसे बहुत बदलाव आया है, आगे भी आएगा, ऐसे ही काम चलते रहेंगे। ठीक है, तो हम मान सकते हैं जो आपके नए सरपंच बने उनका भी असर दिखाई दिया, उन्होंने भी सरपंच बनते ही कुछ धमाका किया, इसका पहला काम है। क्योंकि अब तक ये मानो कि 14 नवंबर को आएंगे जो कुछ है इसका, जो आती है, जो जिम्मेवारी मिलती है, जिम्मेवारी 14 तारीख को लेनी स्टार्ट करेगी। उससे पहले भी इसने बहुत कुछ करवा दिया, यहाँ 3-4 दिन लगे थे जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह, इतनी गंदगी थी यहाँ पे, बहुत ज्यादा गंदगी थी, यहाँ खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, खड़ा ही नहीं हो जा। बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने दिखाई भी है और वाकिफ भी हुए हैं। जी आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार जी। आपका क्या नाम है? राधेश्याम। आपका क्या नाम है? सोनू टाक गंगवा जी। राजेंद्र जी, बताएं जो तस्वीरें हमने देखी, हमने यहाँ पर दिखाया भी कितनी गंदगी है, सरकार तक पहुंची, प्रशासन तक पहुंची, स्वरूप बदला, क्या लगता है कि ये अब आगे मेंटेन रह पाएगा? सर ये तो भगवान दास ने शपथ लेने से पहले ही ये जो काम किया है ये पहले स्टार्ट कर दिया था। ये जो यहाँ ऑफिस में यही बैठेगा और ये जो ग्राउंड है इसके दोनों साइड में पार्क बनेंगे और ये फूल वाले पौधे लगाएंगे और काम ऐसे चलता रहेगा, पूरे 5 साल ऐसे ही काम चलेगा। जी, आपका क्या मानना है, ये बात जो इनके बारे में कही जा रही है भगवान दास जी के बारे में बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल सही कही जा रही है जी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 5 साल तक यही काम चलेगा, सिर्फ यहाँ का ही नहीं, गांव में किसी भी व्यक्ति को पर्सनल परेशानी भी होगी। पर्सनल का मतलब ये नहीं, घरेलू परेशानी की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे उसकी गली का काम है या आस पड़ोस में कोई गंदगी का काम है और है, तो वो हमारे भाई भगवान दास बिल्कुल बखूबी रूप से उनके पास जाकर उनका काम पूरा करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ ऐसे ही कह दिया कि हो जाएगा, करवा देंगे, ऐसा नहीं होएगा कभी भी। आगे 5 साल तक पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ
विकास ही होगा। क्या बात है भाई, इनका कहना है कि गांव में विकास ही होगा और चारों तरफ विकास होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत जो है वो दिखाई भी देने लगी है। जो खबर हमने दिखाई उस खबर का असर हुआ और आज यहाँ जहां पर गंदगी के अंबार लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, लोग यहाँ पर कूड़ा करकट डालते थे, गोबर पाथने का काम करते थे, आज यहाँ पर हरियाली होने जा रही है और यहाँ पर जो है यहाँ जो जिस तरीके से बटोड़े वगैरह थे वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, एक सफाई जो है वो हो चुकी है। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट हमने खबर दिखाई, खबर का असर हुआ और जो है हमने जो है इसके बारे में पहले भी हमने आपको अवगत कराया, आगे भी और भी अपडेट आपको देते रहेंगे और खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। अब जिस तरीके से कहा है कि विकास कार्य वो करवा रहे हैं, अच्छी बात है, गांव में विकास हो और गांव तरक्की करे, तसल्ली हो गांव में और अच्छी प्रकार से विकास हो, तो इसके लिए धन्यवाद करूंगा तमाम उन अधिकारियों का भी, तमाम डिप्टी स्पीकर जी ने अगर सहयोग किया तो उनका भी धन्यवाद, अगर अधिकारियों ने सहयोग किया तो उनका भी धन्यवाद, और अगर जो है गंगवा जी ने, जो भगवान दास गंगवा जी हैं, उन्होंने भी अगर काम किया तो उसका भी धन्यवाद तमाम। और जैसा कि इन्होंने उनकी टीम ने भी बताया कि भाई वो लगातार काम करते रहते हैं, अच्छा काम उन्होंने किया, आगे भी काम करेंगे, तो बहुत बढ़िया एक शुरुआत कह सकते हैं उन्होंने अभी की है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।